रोहतक में 20 वर्षीय युवक की 4 से 5 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। युवक मनीष सांघी गांव का रहने वाला था, जो कि अपनी दादी की 70वीं कार्यक्रम के बाद टेंट का सामान लौटाने के लिए गांव में ही टेंट की दुकान पर गया था। उसी दौरान बाइक सवारों ने मनीष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए उसे भून डाला। जानकारी के मुताबिक इस गोलीबारी में मनीष को 4 गोलियां लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे रोहतक PGI में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जी आज जो ये लड़का गुजरा है मनीष, इसकी दादी की 70वीं थी। ये घर से टेंट का सामान लेकर दुकान पर डालना आए, तो उन्होंने सामान डाल दिया। 3-4 लड़के और भी थे साथ में, तो सामान तभी पीछे से दो, एक एक्टिवा सफ़ेद और एक पल्सर मोटरसाइकिल आई, इस पर 4-5 बतावा है, ज़्यादा भी हो उसके कम भी हो उसके, मतलब कम तो नहीं थे, ज़्यादा ही थे, 4 तो थे 4-5। तो वो चक्कू बंदूक ले रहे थे, वो पीछे थे, इसका जो गोली मारने लग गया अचानक आकर ना, तो ये थोड़ा भाग गया भी है बचाव के लिए, और पीछे भी भाग गए हैं, लेकिन वो तब तक भागते भागते इसका गोली भी मार गए और चक्कू भी मार गए। अच्छा, तो कोई पुरानी रंजिश है या क्या है? पुरानी रंजिश तो कुछ पारिवारिक तो थी नहीं जी, अब बच्चे हैं बाहर जाओ, मान लो उम्र है, यंग उम्र थी, मान लो 20-22 साल का है सारा, तो हो सके है पहले कुछ आपस में होगी, बाकी और पारिवारिक कोई सुना नहीं। गाँव के क्या नाम है, कितनी उम्र है? ये मनीष है, जोगिंदर का लड़का ही है, जोगिंदर इसके फादर है, वो एक्सपायर हो गए और 22-1 साल उम्र होगी। तो गांव के थे वो मारने वाले, कोई पहचान? देखो जी, कह नहीं सकते अभी फिलहाल, हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो गांव के थे या बाहर के थे, क्योंकि जो मौके पे थे वो पहचान नहीं पाए, और अभी तक पुलिस जैसे पकड़े गया शनाख्त कर, उसके बाद ही कुछ बता पाओगे कौन थे, गाँव के थे बाहर के। कितनी गोलियां चली, कितनी गोलियां लगी जी? सुनने वाले बता रहे हैं वहाँ पे 5-6 गोली चली है, चक्कू भी है, लाग रहे छाती में है। कोई और मतलब गोली चलाने वाला एक था या 2-3 अलग अलग हथियारों से कुछ इस तरह? अच्छा, इनके परिवार में कौन कौन है? इसके परिवार में तो एक माँ ही मार रहेगी जी, दादी थी वो आवाज उसकी, मान लो 13 मियाँ की हुई है, एक सिस्टर थी वो माँ ही मार रहेगी। गांव में दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ना तो अभी तक हत्यारों का कोई सुराग लगा है और ना ही हत्या के कारण उजागर हो पाए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए हत्या की इस गुत्थी को सुलझा पाना बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।